हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नॉन टेक्निकल चैनल। तो आज हमारे सामने है टाटा की कर्व। इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में जानते हैं और इसके ईएमआई डाउन पेमेंट के बारे में जानते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें डाउन पेमेंट रहने वाला है 2.5 लाख और 4 लाख के बारे में। ईएमआई कितना बनेगा 5 साल, 6 साल और 7 साल के लिए। सो फ्रेंड्स, आप वीडियो पर बने रहे हैं। अगर चैनल पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टाटा कर्व सेफ्टी के हिसाब से भी अच्छी आई है और इसका देखें तो लैम्बोर्गिनी उर्स जो आता है उसी का थोड़ा थोड़ा इसका रियर साइड से लुक मैच करता है। सो फ्रेंड्स, जानते हैं इतने कम कीमत में टाटा ने कैसे इसको बनाया और इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, इसका कितना प्राइस रहने वाला है न्यू दिल्ली के हिसाब से। सो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाटा कर्व में आपको टोटल 6 कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे और जो इसके प्राइस है न्यू दिल्ली के हिसाब से। टाटा कर्व में आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आती है, ये इसका पेट्रोल वेरियंट मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका एक्सलम प्राइस है 9,99,990 रुपये। 10 लाख इसलिए कंपनी ने रखती है कि टैक्स ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए फर्स्ट जो अप्लाई होता है और 9,99,990 रुपये छोटी SUV के लिए होता है। सो फ्रेंड्स, RTO की बात करें तो इसमें आपको 70,999 रुपये पड़ेंगे। इंश्योरेंस की बात करें तो 49,557 रुपये का इसका इंश्योरेंस रहने वाला है और ऑनरोड प्राइस निकल के जो आएगा 11,19,546 रुपये इसका बेस वेरियंट। इसका जो माइलेज है 15 KMPL का, जिसमें आपको इंजन देखने को मिलेगा 1.2 लीटर का डिवोट्रॉन इंजन जो आपको 1199 cc का दिया गया। 3 सिलेंडर इंजन है, ये पावर प्रोड्यूस करता है 118 BHP पावर 5500 RPM पे और टॉर्क पैदा करता है 170 Nm टॉर्क 4000 RPM यानी 1750 RPM से लेकर 4000 RPM तक। ये एक 5 सीटर आपको मिलेगा कार और इसके बोट स्पेस की बात करते हैं आपको 500 लीटर का बोट स्पेस दिया गया है और फील्डिंग कैपेसिटी आपको 44 लीटर का है। और ये एक SUV है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो उस ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी बेटर बनाया गया है, 208 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलेगी इसमें आपको। गियर बॉक्स 6 स्पीड वाला है, फ्रंट व्हील ड्राइव दिया गया है इसमें। और आपको रियर सीट अगर फोल्ड करते हैं तो इसकी जो सीटिंग कैपेसिटी जो लीटर पर जाता है वो रहने वाला है 973 लीटर का। इसमें आपको 215/65 R16 इंच के आप टायर मिलेंगे। आइए इसके डाउन पेमेंट ईएमआई के बारे में जानते हैं। सो फ्रेंड्स, इसका जो ऑनर प्राइस 11,19,546 रुपये रहने वाला था, डाउन पेमेंट 2,50,000 मैंने किया, बैंक इंटरेस्ट 9% के हिसाब से मैंने रखा है, तो टोटल लोन अमाउंट घटकर 8,69,546 रुपये। जैसे आप 2.5 लाख डाउन पेमेंट करेंगे तो माइनस कीजिए 11,19,546 में, तो आपको 8,69,546 का लोन हो जाएगा। जिसकी 5 साल की ईएमआई बनेगी वो रहने वाला 18,050 रुपये की ईएमआई बनेगी 5 साल रुपये की। तो कहने का मतलब ये है कि टोटल जो पे अमाउंट इसमें लगेगा जो किस्ती के जरिए जो 18,050 रुपये जमा कर रहे हैं 5 साल में, तो आपको 10,83,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे जो ईएमआई के जरिए रहने वाला है। अगर आप 6 साल की ईएमआई करते हैं तो 15,674 रुपये की ईएमआई बनेगी। अगर 7 साल की करवाते हैं तो आराम से आप 13,990 रुपये की ईएमआई भर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे इसमें आप 4 लाख रुपये का डाउन पेमेंट करते हैं तो बैंक इंटरेस्ट 9% के हिसाब से रहने वाला है। लोन अमाउंट घटकर 7,19,546 रुपये का आपका लोन अमाउंट हो जाएगा। जो 5 साल की ईएमआई बनेगी वो रहने वाला है 14,937 रुपये और आपने टोटल जो पे किए 5 साल में ईएमआई के जरिए वो रहने वाला है 8,96,220 रुपये। लोन अमाउंट 7,19,546 रुपये का है और इसका जो टोटल पे अमाउंट 8,96,220 रुपये का आप मैनेज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, 6 साल की ईएमआई बनाए, 6 साल की ईएमआई जो बनेगी वो रहने वाला है 12,970 रुपये और 7 साल के लिए करवाते हैं तो आपको 11,570 रुपये की ईएमआई बनेगी। सो फ्रेंड्स, टाटा कर्व आपको देखने में कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वैसे आपका क्या कहना है टाटा कर्व के बारे में कि आपको ये पसंद है या नहीं, आप लोग कमेंट जरूर करें। और कितनी लोगों को इसका लुक और स्टाइल पसंद आता है आप लोग फटाफट कमेंट करें तो हमें जानकारी मिलेगी, तो मैं आगे भी इसका फुल डिटेल वर्कअराउंड वीडियो भी आपको आपके लिए सामने लेकर आऊँगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, नाइस डे।